आगे और बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और करने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन बढ़िया साथ साथ मैं पढ़ता हूं और इसको क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि सिक्स इक्वल रोड ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एंड एफ ए आर ईच ऑफ वे डब्ल्यू एंड आर फ्रीली जॉइंटेड एट देयर एक्सट्रीमिटीज सो एज टू फॉर्म ऑफ ए हेक्सागोन। द रोड ए बी इज फिक्स्ड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजिशन एंड द मिडल पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई आर जॉइंटेड बाई ए स्ट्रिंग, प्रूव दैट द टेंशन इज 3W। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, आपको समझना है क्वेश्चन को कि जो मेरा सबसे पहले हमें छह रोड दे रखी हैं और हमें मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डायग्राम का पता होना चाहिए कि डायग्राम किस प्रकार का बनेगा, हेक्सागोन बनेगा। चलिए हमें इतना पता चल गया कि डायग्राम हेक्सागोन बनेगा। ये लीजिए किस प्रकार की छड़ें दे रखी हैं हमें, ए बी बी सी और सी डी ई एफ, इस प्रकार हमारी हेक्सागोन की आकृति हमारे पास बनने वाली है। तो हम सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं और फिर आगे हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब देखिए मेरे पास ये मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, इतना हमें पता चला है डायग्राम। और बाद में मैंने बताया था जो वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल से कि हमें उसके बाद हमें देखना है कि कौन सी रोड फिक्स है, कौन सा पॉइंट फिक्स है जिससे पूरा तंत्र लटका हुआ है। तो हमें देर का है कि ए बी रोड क्या है, फिक्स है, और हमें टेंशन दिखाना है कि 3W होगा। अब कहता है क्वेश्चन में कि ए बी और डी ई ये है, इसको एक स्ट्रिंग द्वारा जोड़ा गया है। अब स्ट्रिंग है तो टेंशन उत्पन्न होगा, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन नेगेटिव होगा, रोड होता तो पॉजिटिव, अगर वेट नीचे की ओर लटक रहा है तो पॉजिटिव, अगर वेट ऊपर की ओर लटक रहा है तो नेगेटिव। अब देखिए वेट क्या है प्रत्येक का, सपोज दैट हम लिखेंगे कि ए बी, ये सारी चीजें आपको लिखनी है, बी सी सी डी डी एफ, ये क्या है, छह रोड हैं, प्रत्येक का वेट, वेट मेरे पास देर का है W है, ठीक है, इसका गुरुत्वीय केंद्र G है। अब ये G पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल मिडल में होगा। अब मिडल में है तो इनका सभी जो टोटल वेट है, इसका W, इसका W, इसका W, इसका W, इसका W, यानी टोटल 6W, और 6W कहाँ, नीचे की ओर लटक रहे हैं 6W। इस फिक्स पॉइंट ये है क्योंकि सारी दूरियां फिक्स पॉइंट से मापी जाएंगी, और ये पॉइंट मान लीजिए आप अगर Z है, Z तो ये हो गया मेरा, ये H पॉइंट मान लीजिए और ये मान लीजिए H I, यहां पर ये स्ट्रिंग है, यहां पर टी टेंशन उत्पन्न होगा, इसके बीच में एक स्ट्रिंग कह रखी है हमें कि स्ट्रिंग है, और एक मेरे पास ये टोटल वेट 6W है, तो दो टेंशन उत्पन्न होंगे। अगर ये डिस्टेंस इतनी मैं एक्स मान लेता हूं, ये डिस्टेंस एक्स मान लेता हूं, तो ये टोटल कितनी होगी, ये भी एक्स बचेगी, ठीक है। तो इस वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल से ये सारी चीजें आप लिखें कि हमें एक्स तथा एक्स प्लस डेल एक्स तक विस्थापित करने पर, तक डिस्प्लेसमेंट देने पर जो मेरा जो ये पॉइंट है, जो ये लेंथ है, वो अचर रहेंगी या परिवर्तित नहीं होंगी। तो इसके हिसाब से वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल से आपको डायरेक्ट लिखना है, वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल से अगर आप थ्योरी, इतनी ही थ्योरी लिखें, ज़्यादा थ्योरी ना लिखें, चाहे आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी का पता होना चाहिए, लेकिन जो रिजल्ट है वो हमें पता होना चाहिए कि क्या रिजल्ट आएगा। अब देखिए ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के कारण टेंशन क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस टी डेल, ये डेल परिवर्तन को, चेंजेस को दर्शाता है, और यहाँ पर डेल टोटल लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, एच आई, ये लीजिए स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है टोटल, एच आई, और यहां पर इसका गुरुत्वीय केंद्र लटका है, तो प्लस क्या होगा, 6W, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुने, 6W, डेल टोटल लेंथ कितनी, यहां तक, क्योंकि ये इसके नीचे लटका हुआ है मिडिल पॉइंट पर, तो यहां से दूरियां मापी जाएंगी, तो ये टोटल लेंथ कितनी हुई मेरी, एच जी इक्वल जीरो। अब देखिए हमें एच आई की वैल्यू, एच जी की वैल्यू निकालनी है, मैंने माना है कि ये एच जी की वैल्यू एक्स है और ये क्या है, 2x है, ये कब मापी जाएंगी, जब एक स्ट्रिंग यहाँ पर लटकी हो तब, ये क्योंकि स्ट्रिंग की लंबाई कुछ न कुछ तो होगी, स्ट्रिंग की लंबाई कुछ न कुछ होगी, अगर ये स्ट्रिंग यहाँ पर नहीं होती इसके बीच मिडल में, तो हमें एंगल से निकालना पड़ता, लेकिन हमें ये चीज़ें यहाँ से समझनी है कि यहाँ पर हमें टोटल एच आई लेंथ दे रखी है, स्ट्रिंग की लेंथ कुछ न कुछ है, वो हमने 2x मान ली, टोटल स्ट्रिंग की लंबाई 2x है, तो ये कितनी बचेगी, x बचेगी। अब देखिए माइनस टी डेल, यहाँ से देखें तो ये 2x हो गया,
प्लस 6W डेल ये कितना बचेगा x इक्वल जीरो। इतना आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। माइनस टी अवकलन कीजिए, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर ये टू आगे आएगा और डेल एक्स यहाँ पर बचेगा, ठीक है। प्लस 6W डेल एक्स का डेल एक्स अवकलन हो जाएगा। अब देखिए डेल एक्स तो जीरो हो नहीं सकता, अगर यहाँ से देखें तो हम टू टू प्लस 6W इंटू में डेल एक्स, तो यहाँ से डेल एक्स जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट इतना दिया है, कल्पित कार्य वर्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने दिया है, तो डेल एक्स जीरो नहीं, तो कौन सा पार्ट जीरो होगा, ये 2t प्लस 6w इक्वल जीरो होगा। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, 3w मेरी t की वैल्यू आएगी और जो ये आपको दिखाई दे रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।